सबसे पहले मसूद हसन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर इरफान हबीब जिनको हम सुन रहे थे, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि या बातें उनकी जो हैं वो प्रधानमंत्री को लेकर, एक ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, वो एमयू के लिए ठीक बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है कि चुनावा प्रधानमंत्री कौन नहीं होता, जो कोई भी प्रधानमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है वो चुनावा ही होता है, उसमें कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, किसी की तानाशाही यहाँ पे नहीं चल सकती। और दूसरी बात यह है कि आप जो यहाँ पर हेडिंग अपने चैनल पे चला रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई खलबली नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि खलबली नहीं है, इरफान हबीब, इरफान हबीब को क्यों मिर्ची लगी हुई है? वो इतिहासकार है देश के, क्या इतिहास में उन्होंने जहर बोया है? क्या जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है उन बच्चों के भीतर उन्होंने जहर बोया है? क्या जहर पिला रहे थे वो बच्चों को? आज जहरीली बात वो कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में तो उसको सकारात्मक तौर पर लेने की बजाय वो जहरीले बोल बोल रहे हैं। मिर्ची किसी के नहीं लगी हुई झा साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में किसी ऐसी सरकार के मुखिया को का स्वागत नहीं करेगी जिस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ। अरे वो मुखिया पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं, वो आपके भी हैं। आपको जिन्ना स्वीकार हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं स्वीकार होते भाई साहब? हमें ना जिन्ना स्वीकार है ना गोडसे स्वीकार है, हमें मोहनदास करमचंद गांधी स्वीकार है जिनको हमने 1920 में बुला के यूनियन की मानद लाइफ टाइम मेंबरशिप दी थी। हमने तो वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि काले झंडे लेकर खड़े रहेंगे हम? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आएंगे वो हमें स्वीकार नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वो स्वीकार नहीं है? आपने कहा जिना हमें, हमने आपको आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। तो जिना की फोटो क्यों नहीं उतारकर फेंक देते आप लोग? जिना की फोटो क्यों नहीं उतारकर फेंक देते यूनिवर्सिटी से? जिस जिना ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, हिंदुस्तान में खतलेआम करवा दिया, उस जिना की तस्वीर पर आप लोग माला चढ़ाते हैं? जिना की लगी हुई तस्वीर को क्यों नहीं जलवा देते? आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने उतरवा कर फेंकवा दिया उसको? आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं आपने उतरवा कर फेंकवा दिया उस यूनिवर्सिटी से उस तस्वीर को? नहीं आपने, आप बताइए, जब तस्वीर को हटाने की बात आई तो आप लोग बैठ गए दरवाजे पर, गेट पर बैठ गए थे आप लोग। मैं कब जाके जलवाएंगे? आप लोग गेट पर बैठ गए थे जब तस्वीर को हटवाने की बात आई, और आज फिर बैठ रहे हैं जब प्रधानमंत्री के शामिल होने की बात आ रही है।